हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आप मेरे लेफ्ट साइड पर देख रहे हो एक इंस्टेंट गीजर, यहां पर मैंने हैंग कर रखा है रेकॉल्ड का अल्ट्रो आई प्लस। आप इसको देखिए, ये एक ऐसा इंस्टेंट गीजर है जिसमें हमें टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ये नॉब मिल जाता है, क्योंकि ज़्यादातर इंस्टेंट गीजर्स में टेम्परेचर कंट्रोलिंग का सिस्टम नहीं होता है। बट रेकॉल्ड वालों ने एक ऐसा इंस्टेंट गीजर लॉन्च किया है जिसमें हम पानी के टेम्परेचर को अपने हिसाब से कहीं भी सेट करके चला सकते हैं, जिससे हाथ नहीं जलता। एकदम से गर्म पानी हमारे हाथों पर आता है, कई बार तो हाथ जल जाता है, तो ऐसे में ये चीज़ काफ़ी कन्वीनियंट हो जाती है किसी भी वाटर हीटर को यूज़ करने में। इस वीडियो में हम इस वाटर हीटर की पूरी तरह से परफॉर्मेंस को टेस्ट करने वाले हैं। टेस्टिंग में हम काफ़ी चीज़ें देखने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर बनेगा, बट आप इसको पूरा देखिएगा तभी आपको समझ आएगी इसकी वर्किंग। तो यहाँ पर हम पहली बात तो ये टेस्ट करेंगे कि रनिंग में ये कितने डिग्री से हॉट वाटर सप्लाई देता है। सेकंड थिंग, आप देखिए, थोड़ा सा पास से दिखाएं आप, तो इसमें तीन मोड यहाँ पर बनाए हुए हैं इन्होंने। हालांकि इसको हम कहीं भी सेट करके चला सकते हैं, बट हम टेस्ट करेंगे जो इनके डेडिकेटेड तीन मोड बनाकर दिए हैं इन्होंने। इन मोड्स के ऊपर ये जो वाटर हीटर है ये कितने कितने टेम्परेचर के ऊपर पानी को गर्म करता है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि किस मोड पर ऑटो कट होने में कितना टाइम लेता है, कितनी बिजली खाता है। तो ये सारी टेस्टिंग हम करने वाले हैं इसी एक वीडियो में। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस हो सकती है। तो गीजर की टेस्टिंग शुरू करने से पहले हमें लेना होगा ठंडे पानी का टेम्परेचर। तो यहाँ पर टैप मैंने ऑन कर दिया है, सेंसर को बिल्कुल वहाँ पे लगाया है जहाँ से पानी निकलता है, और यहाँ पर इस मीटर के ऊपर हमें दिखेगा जितना भी टेम्परेचर होगा इस पानी का। तो यहाँ पर 16.8 के आसपास टेम्परेचर की रीडिंग मुझे मिल रही है मीटर के ऊपर। और एक दो सेकेंड और यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लो जा रहा है। यहाँ पर देखिए 16.5 हो गया है, तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि 16 डिग्री के आसपास इसके अंदर पानी है, और काफ़ी ठंडा पानी आप इसको कह सकते हैं। ये देखिए 16 के आसपास ये आ जाएगा बिल्कुल। तो जहाँ पर स्टिल करेगा ये, देख लेते हैं एक बार, तो हाँ 16.3 के ऊपर ये रुका है। तो 16 डिग्री के आसपास पानी है इसके अंदर जो हम गर्म करने वाले हैं। और सबसे पहले जो सबसे पहली टेस्टिंग हम करेंगे वो करेंगे रनिंग में हॉट वाटर सप्लाई ये जो गीज़र है वो कितने डिग्री पर दे सकता है। तो यहाँ पर मैं बटन ऑन करूँगा, टैब ऑन करूँगा, और ये बाल्टी पूरी की पूरी भरने वाला हूँ, और इस बीच में जो भी मैक्सिमम रीडिंग हमें मिलेगी वो हम यहाँ पर ले लेंगे। तो चलिए पहले मैं इसको ऑन करता हूँ और साथ में ही इसको ऑन कर देता हूँ, और पूरे पे यहाँ पर मैंने इसको खोल के रखा हुआ है। आप देखेंगे कि रेड कलर का यहाँ पर इंडिकेटर आपको दिख गया है, जो कि बहुत ही एलिगेंट लगता है, और ये हीटिंग मोड को बेसिकली दर्शाता है। और यहाँ पर आप देखिए तो 230 के आसपास सप्लाई है, और ये जो गीज़र है बिल्कुल 3000 वॉट के ऊपर चलता हुआ, स्लाइटली ऊपर ही लोड ले रहा है ये। तो यहाँ पर बहुत अच्छी एफिशिएंसी मुझे लगता है इसमें हमें मिलने वाली है। और एम्पेयर देखिए आप 13 से ऊपर चल रहे हैं, पावर फैक्टर बिल्कुल 1 का यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखिए टेम्परेचर मीटर के ऊपर ध्यान दीजिए कि इसने लगभग 4 डिग्री टेम्परेचर को अप कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी एफिशिएंटली ये काम करता हुआ, और टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। यहाँ पर टेम्परेचर मीटर के ऊपर साइड रीडिंग्स हमें मिल जाएंगी, और यहाँ पर ये भी पता लग जाएगा कि कितने एफिशिएंटली ये पानी को गर्म करता है। अच्छा, एक बात यहाँ पर बता दूँ आपको कि इसको टेस्ट करने के लिए रनिंग कंडीशन में मैंने इसको बिल्कुल फुल के ऊपर सेट किया हुआ है, क्योंकि जब भी हमें रनिंग में पानी चाहिए और बहुत ठंडा पानी हम इसके अंदर गर्म कर रहे हैं, तो ऐसे में मैंने इसको फुल के ऊपर सेट किया हुआ है। लेकिन हम सभी सेटिंग्स के ऊपर इसको टेस्ट करने वाले हैं कि कितने कितने टेम्परेचर के ऊपर ये पानी को गर्म करता है, कट ऑफ होता है, कितनी बिजली खाता है, एवरीथिंग सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती हुई, लगभग 25 डिग्री से पानी यहाँ पर मिलता हुआ, और लगातार पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है। ऑलमोस्ट 9 डिग्री यहाँ पर पानी का टेम्परेचर अप कर चुका है रेकॉल्ड का ये गीज़र। आपको एक बात बता दूं कि 16 डिग्री बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी होता है जिसको ये इतनी तेज़ी से गर्म कर रहा है, और आपके सामने मैंने टैप बिल्कुल उसी टाइम खोल दी थी, यानी कि 2 सेकंड का भी टाइम नहीं दिया अंदर जो पानी है टैंक के उसको गर्म होने देने का। तो यहाँ पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, 10 डिग्री से ऊपर इसको लेके जा चुका है। आप देख सकते हैं लगभग 26 डिग्री के आसपास यहाँ पर हमें रीडिंग मिलती हुई, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मैं यहाँ पर कह सकता हूँ रेकॉर्ड का ये गीज़र देता हुआ। और रेकॉर्ड का गीज़र आप सब जानते हो बहुत बेटर परफॉर्म करते हैं। मैंने हमेशा रेकॉर्ड के गीज़र को टॉप पे रखा है। इस बार जो वीडियो बनाई थी उसमें रेकॉर्ड का ओमनिस डीजी आपको सजेस्ट किया था, तो यहाँ पर रेकॉर्ड वालों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है गीजर्स के मामले में, क्योंकि बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इनके पास गीजर्स के मामले में, और इनको कई नेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, और वो चीज़ को साबित करता हुआ रेकॉर्ड का ये गीज़र साफ साफ आप देख सकते हैं टेम्परेचर मीटर के ऊपर।
तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा बाल्टी, आप एक बार दिखाएं कि अभी सिर्फ आधी ही बाल्टी हुई है लेकिन लगातार जो पानी का टेम्परेचर वो बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिए 27 के आसपास यहाँ पर बिल्कुल 27 डिग्री सेल्सियस से रनिंग में हॉट वाटर सप्लाई देता हुआ ये गीजर, मतलब आप ये मान के चलिए कि 11 डिग्री पानी का जो टेम्परेचर है इसने अप कर दिया है। अभी तक मैंने जितने भी गीज़र टेस्ट किए हैं वहाँ उनमें से अगर मैं कहूँ तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ गीज़र। और ये देखिए दोस्तों कि अब थोड़ा सा कमी आ रही है टेम्परेचर में, अगर आप गौर करेंगे तो 26 से थोड़ा थोड़ा कम जाता हुआ, लेकिन हम जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जब तक ये बाल्टी भर रही है उस बीच में जो भी मैक्सिमम रीडिंग होगी वो हम कंसीडर करेंगे इसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। और यहाँ पर आप देखिए बाल्टी अभी भरने में थोड़ा समय है और 27 से भी ऊपर यहाँ पर रीडिंग जाती हुई आप देखिए 27.1 की रीडिंग हमें मिली थी लास्ट। और जो बिजली कंजप्शन है वो देखिए कितनी तेज़ी से यहाँ पर होती हुई 0.27 यूनिट कंज्यूम कर चुका है ये, क्योंकि 3 किलोवाट का लोड है, काफ़ी तेज़ी से बिजली की कंजम्पशन करता है। इस वजह से कई लोग इंस्टेंट गीज़र से परहेज करते हैं, लेकिन इंस्टेंट गीज़र होते बहुत बढ़िया हैं क्योंकि एकदम से गर्म पानी आपको मिलता है। और 27 डिग्री से पानी है तो मतलब कुनकुना पानी है ये, इसमें आपके हाथ जो हैं वो ठरेंगे नहीं, अकड़ेंगे नहीं, बहुत अच्छे से आप इसमें काम कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर इतनी जो वर्किंग हमने चेक की है इसकी, लगभग इसको चलते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो इसने 27.1 डिग्री सेल्सियस जो मैक्सिमम रीडिंग दी थी मैंने देखी है मीटर के ऊपर, तो यहाँ पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से। आपको कैसी लग रही है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये बाल्टी अभी मुझे लगता है 30-40 सेकंड और लेगी भरने में, तो उसके बीच में अगर हमें कोई मैक्सिमम सप्लाई मैक्सिमम यहाँ पर रीडिंग मिलती है तो हम उसको ज़रूर कंसीडर करेंगे। और ये देखिए एक पॉइंट अप मुझे मिला 27.2, तो यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस मैं कह सकता हूँ इस गीज़र की मुझे मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप इस गीज़र को ख़रीदना चाहते हो तो आप ख़रीद सकते हो, ये देखिए 27.3, तो ये मतलब रीडिंग बढ़ती चली जा रही है। तो जो भी मैक्सिमम है जैसे कि हमने पहले कहा है कि हम उसी को कंसीडर करने वाले हैं, तो इसका लिंक जो है गीज़र का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं इसके फीचर्स वगैरह अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस गीज़र के अंदर क्या क्या लगाया है रेकॉर्ड वालों ने, क्या क्वालिटी के पार्ट्स लगाए हैं, वो सब वीडियो भी आपको मिल जाएगा, हमने सब टेस्टिंग करी हुई है खोल खाल के सब दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए बाल्टी अब भरने को ही है तो इसको फ़िलहाल बंद कर देंगे हम, तो लगभग 27 के आसपास जो रीडिंग कांस्टेंट यहाँ पर हमें मिली है, तो चलिए मैं इसको बंद कर लेता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसने इतने से ऑपरेशंस में ही 0.36 यूनिट कंज्यूम कर लिए हैं और जो मैक्सिमम रीडिंग हमें मिली थी वो 27.2 के आसपास थी। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट हम टेस्ट करेंगे जिसमें हम इसके जो ये मोड्स हैं इनको टेस्ट करने वाले हैं कि किस मोड पर ये कितने डिग्री पर पानी को गर्म करता है और कितने डिग्री पर पानी को गर्म करने के बाद ऑटो कट हो जाता है, कितना टाइम लेता है, कितनी बिजली खाता है, ये सारी टेस्टिंग अभी करने वाले हैं। तो एक टेस्टिंग हो चुकी है, अब दूसरी टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले हमें ठंडे पानी का टेम्परेचर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी को मैंने ऑन कर दिया है और रीडिंग हमें मिलेगी इस टेम्परेचर मीटर के ऊपर। तो पहले भी 16 डिग्री के आसपास पानी था, अभी भी जो रीडिंग आएगी वो लगभग 16 के आसपास ही आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए 16.2 के आसपास यहाँ पर आ रही है, तो वही रीडिंग है 16 डिग्री के आसपास पानी है इसके अंदर। तो अब हम चेक करने वाले हैं इसके मोड को कि किस मोड के ऊपर ये कितने डिग्री पर पानी को गर्म करता है और कितने टेम्परेचर से पानी देता है, कितना टाइम लेता है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन यहाँ पर बना रखे हैं इन्होंने, तीन मोड हैं। तो सबसे पहले हम इसको पहले वाले पे ऑन करेंगे, तो यहाँ पर अब देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको ऑन कर रहा हूँ और जैसे ही ऑन होगा तो मैं बटन भी ऑन कर दूंगा। 3, 2, 1। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने यहाँ पर बटन ऑन कर दिया है लेकिन जो गीज़र है वो ऑन नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोड जो है वो बिल्कुल 0-0 है। तो यहाँ पर अभी इस स्टॉपवॉच का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको यहाँ पर हम रीसेट कर लेते हैं दोबारा से क्योंकि ये ऑन ही नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तीन यहाँ पर आइकन बने तो हैं लेकिन मोड इसमें दो ही हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 0 मोड है बिल्कुल, यहाँ पर ये चलेगा ही नहीं। हाँ, तो अब हम इसको जो ये वाला पहला मोड इन्होंने डेडिकेटेड दिया है इसके ऊपर टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर ये मैक्सिमम वाले पे। हालांकि इसके बीच में भी आप कहीं भी इसको चला सकते हो लेकिन जो डेडिकेटेड मोड्स हैं उन्हीं को हम टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको यहाँ से मैं बंद कर लेता हूँ पहले, और ये देखो यहाँ पर मैं सेट कर रहा हूँ इसको, तो पहला मोड ये है। हालांकि मैं दोबारा से बता रहा हूँ आप कहीं भी इसको चला सकते हो लेकिन हम डेडिकेटेड जो दो मोड हैं उन्हीं के ऊपर यहाँ पर चलाने वाले हैं। तो चलिए पहले हम इसको ऑन करते हैं और उसके बाद यहां से बटन ऑन कर लेंगे। 3, 2, 1।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर स्टॉपवॉच ऑन हो चुकी है, बटन ऑन हो चुका है, गीज़र ऑन हो चुका है, और अब देखना ये है हमें कि ये गीज़र इस मोड के ऊपर कितना टाइम लेता है पानी को गर्म करने में, और कितनी बिजली खा जाता है, और किस टेम्परेचर के ऊपर पानी को गर्म करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3050 के आसपास लोड चलता हुआ, क्योंकि जो इनपुट सप्लाई है वो 230 के आसपास यहाँ पर कॉन्स्टेंट बनी हुई है, और जो अम्पेयर हैं वो भी आप देखो 13 से ऊपर चल रहे हैं, और जो PF है यानी पावर फैक्टर है वो भी 1 का है बिल्कुल, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो यहाँ पर इस गीज़र को चलते हुए लगभग 40 सेकंड के आसपास टाइम हो चुका है, और कंटिन्यू पानी को ये गर्म कर रहा है। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि ये पहले मोड के ऊपर पानी को किस टेम्परेचर के ऊपर गर्म करता है, क्योंकि जिस भी टेम्परेचर के ऊपर पानी आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया है रेकॉर्ड वालों ने कि आप उसको सेट कर सकते हो। अब ये आपको अपने अकॉर्डिंग ही करना होगा कि आपको इसमें कहाँ पर सेटिंग अच्छी लगती है, या कितने टेम्परेचर का पानी बियरेबल है, कहाँ रखना है, तो ये सब आपके ऊपर है। हम तो यहाँ पर बस टेस्टिंग करके आपको बता रहे हैं कि जो प्रीसेट यहाँ पर मोड दिए हैं इन्होंने बनाए हैं डायल बटन के ऊपर, उनके ऊपर ये कितने डिग्री पर पानी को गर्म करते हैं। अच्छा, जो टाइम ऑफ हीटिंग होगा वो आपके ठंडे पानी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ठंडा पानी गीज़र के अंदर डाल रहे हो और कितना टाइम फिर उसको लगता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो पानी है वो 16 डिग्री के आसपास है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी है। अगर मैं इसमें 20 डिग्री का पानी गर्म करूँगा तो वो ऑब्वियसली जल्दी गर्म हो जाएगा। तो ऐसे में सबके यहाँ पर पानी का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग हो सकता है, इनपुट सप्लाई अलग अलग हो सकती है। हमारे यहाँ पर कॉन्स्टेंट हमने रखी हुई है टेस्टिंग के लिए 230, लेकिन आपके यहाँ पर अप डाउन हो सकती है। तो ऐसे में सारी चीज़ें उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर असर डालती हैं। तो आप देख सकते हो लगभग 2 मिनट का यहाँ पर समय होने वाला है, और वो अभी भी चल रहा है। तो मैं यहाँ पर फिंगर रख लेता हूँ, जैसे ही वो कट ऑफ होगा तो हम स्टॉपवॉच को यहाँ से बंद कर देंगे, क्योंकि हमें देखना है कि कितना टाइम ये लेगा एक बार के ऑपरेशन में इसका जो एक मोड है यहाँ पर। और अभी भी ये चलता हुआ 2 मिनट से ऊपर का समय यहाँ पर हो चुका है, और ये सबसे अच्छी बात इसमें मुझे लगी कि 3000 वॉट पूरे ले रहा है, इवन कि स्लाइटली अब ऊपर ही चल रहा है। तो ऐसे में परफॉर्मेंस आपको नो डाउट अच्छी मिलती है। इसका हीटिंग एलिमेंट वगैरह आपको देखना है किस क्वालिटी का है, तो आप देख सकते हैं वीडियो हमने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन विजिट करो, आपको मिलेगा वीडियो, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके फीचर वगैरह अगर आप जानना चाहते हो तो उसके लिए भी वीडियो मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में आप विजिट करो, सारे आपको जो लिंक हैं वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कट ऑफ हो चुका है, कट ऑफ होने के बाद ब्लू कलर का यहाँ पर इंडिकेटर आपको मिलता है, वही इंडिकेटर ने कलर चेंज किया, रेड से वो ब्लू हो गया। अब यहाँ पर आप देखो कि 2 मिनट 43 सेकंड यहाँ पर लगे हैं, ऑलमोस्ट 2.5 मिनट इसको बोलो, और जो बिजली इसने खाली इतने टाइम के अंदर वो खाली 0.13 यूनिट, तो काफ़ी तेज़ी से बिजली खाता है। 3000 वॉट का बहुत पावरफुल हीटिंग एलिमेंट इसके अंदर लगा हुआ है, तो जो बिजली बहुत तेज़ी से खाता ही खाता है। और यहाँ पर आप देखो अब हम पानी का टेम्परेचर लेंगे, जिससे हमें ये पता लगेगा कि ये जो पहली इनकी सेटिंग है इसके ऊपर पानी को ये किस टेम्परेचर के ऊपर गर्म करता है। तो यहाँ पर मैं टैप ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा ही ओपन करूँगा ताकि हमें मैक्सिमम जो पानी का टेम्परेचर है वो पता लगे, क्योंकि जितना जितना पानी मैं इसमें से निकालता रहूँगा उतना इसमें ठंडा पानी भी मिलता रहेगा, तो मैं नहीं चाहता कि हमें जो रीडिंग है वो एग्जैक्ट ना मिले। तो यहाँ पर आप देखिए टेम्परेचर मीटर के ऊपर थोड़ा सा पीछे रखें ताकि टैप भी दिखता रहे और वो भी दिखता रहे साफ, तो यहाँ पे देखिए 60 के आसपास यहाँ पर रीडिंग आ रही है। होप सो आपको दिख रही होगी, 62.6 के आसपास आ रही है रीडिंग, 63.8, और लगातार रीडिंग बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा टैप और करूँ तो यहाँ देखिए 64.6 आ गया, 65 डिग्री सेल्सियस पानी का जो टेम्परेचर है उससे भी ऊपर यहाँ पर रीडिंग जाती हुई 66.3 डिग्री के आसपास। तो आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस इस गीज़र की कितनी अच्छी है कि ये पहली सेटिंग्स के ऊपर ही 67 डिग्री के आसपास पानी गर्म कर रहा है, और रीडिंग लगातार बढ़ती चली जा रही है। गीज़र अभी भी कट ऑफ है, तो ये लो मैं इसको बंद भी कर देता हूँ ताकि वो चले ही ना दोबारा, क्योंकि जब चलता है तो रेड कलर का इंडिकेटर आता है, लेकिन फिलहाल बंद था वो। अब आप देखिए कि रीडिंग और बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, 67.6, ये मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दर्शाता हुआ रिकॉर्ड का गीज़र। और हल्का सा टैब मैं ऑन कर लूँ तो यहाँ पर आप देखें 67.7, तो जो भी मैक्सिमम रीडिंग होगी वो हम यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं इस मोड के। तो पॉइंट बढ़ता ही चला जा रहा है, अभी तक कम हुआ ही नहीं है। तो आप देखिए 67.9 हो गया, तो ऑलमोस्ट 68 के आसपास इसको आप मान सकते हो। होप सो हमें 68 की भी रीडिंग यहाँ पर मिल ही जाए। तो और ये देखिए फाइनली 68 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसने पानी को गर्म कर दिया है, वो भी अपने पहले मोड के ऊपर। अभी तो दूसरा मोड बाकी है, यानी कि वो कहते हैं ना दिल्ली अभी दूर है। तो अब देखिए अब जो रीडिंग है वो बैक जा रही है, आप देखिए पॉइंट टू पॉइंट बैक जा रही है। तो फिलहाल यहाँ पर इसको बंद करते हैं। तो आपने देख लिया
कि पहले मोड़ के ऊपर एक बार थोड़ा सा करीब दिखाओ, यहाँ पे आप देखो खाना पीना सा बना हुआ है कुछ, तो लगता है ऐसा है कि ये बर्तन धोने का कोई इन्होंने साइन बनाया है, किस तरह का बनाया। तो चलिए जो भी है, ये जो पहला मोड़ इन्होंने दिया है, इस मोड़ के ऊपर अगर हम इसको चलाते हैं तो ये पानी को जो हमें रीडिंग मिली है 68 डिग्री के आसपास गर्म करता है और लगभग इतने मिनट चलता है और इतनी बिजली खा जाता है। लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है ठंडे पानी के टेम्परेचर के ऊपर और इनपुट सप्लाई के ऊपर। तो अब हम दूसरी टेस्टिंग के लिए इसको फुल के ऊपर सेट करेंगे। आप देखो यहाँ पर फुल है, बकेट का साइन बना हुआ है, तो मैंने इसको फुल पे सेट कर लिया है। इसको चलाने से पहले दोबारा से एक बार ठंडे पानी का टेम्परेचर ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो टेम्परेचर दिखेगा तो 16 डिग्री के आसपास पानी है, लेकिन मैं बार बार इसलिए टेम्परेचर लेता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि इसके अंदर ऑलरेडी गर्म पानी था। तो मैं दिखाने के लिए कि हम दोबारा से फ्रेश टेस्टिंग करते हैं हमेशा। आप देखिए 16 डिग्री के आसपास यहाँ पर आ रहा है टेम्परेचर, तभी टेस्टिंग मतलब हो सकती है ठीक से, अदरवाइज तो उसका कोई मतलब ही नहीं है अगर मैं इसमें पहले से प्रीहीट पानी लेकर अगर इसको चला रहा हूँ। तो बहरहाल आप ये देखिए इसको फुल पर यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है। अब मैं इसको स्टॉपवॉच चलाऊंगा और बटन को प्रेस करेंगे और फिर देखेंगे फुल के ऊपर क्या आती है। तो यहाँ पर स्टॉपवॉच ऑन हो चुकी है, बटन मैंने ऑन कर दिया है, सप्लाई आप देखिए 230 के आसपास बनी हुई है, 13 एम्पीयर का ये पूरा लोड ले रहा है और वही 3060-50 इस तरह से ये लोड लेता हुआ, यानी कि परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है। और आप देखिए जो हीटर है वो फिर से हीटिंग मोड के ऊपर चला गया है, रेड कलर का इंडिकेटर आपको दिखेगा। और यहाँ पर इस गीज़र को अब देखना है कि कितना समय लगने वाला है हाई के ऊपर, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो ये होने वाला है कि हाई के ऊपर ये कितने डिग्री पर पानी को गर्म करेगा, क्योंकि इसने अपने पहले मोड पे या जो मीडियम मोड इसको कह सकते हो आप, पहले मोड पे इसने लगभग 68 डिग्री सेल्सियस पर पानी को गर्म किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। आप डायरेक्टली पानी में हाथ नहीं डाल सकते हो इतने गर्म पानी में, इसीलिए ही इसमें सेटिंग्स दी हैं। तो आप इसको कम पर ज़्यादा पर कहीं पर भी सेट करके चला सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों अब देखना दिलचस्प रहने वाला है। तो यहाँ पर लगभग एक मिनट का समय पूरा हो चुका है और ये गीजर लगातार चलता जा रहा है। पिछली टेस्टिंग में हमने देखा था पिछले मोड के ऊपर इसने लगभग 3 मिनट लिए थे, 15 सेकंड कम, अब उससे तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही चलेगा ये। तो लगभग लगभग मुझे लगता है जिस हिसाब से ठंडे पानी का टेम्परेचर है तो लगभग 4 मिनट ये लेगा। अब देखना ये है कि अगर ये बहुत ज़्यादा पानी का टेम्परेचर अप करने में अगर ये यहाँ पर सेटिंग इसकी करी हुई है कंपनी ने तो हो सकता है 4 मिनट से भी ऊपर ले लिए। लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे गीजर्स को टेस्ट किया है और इस गीज़र को भी यहाँ पर टेस्ट कर रहा हूँ मैं, तो परफॉर्मेंस वाइज मैं कह सकता हूँ रेकॉर्ड का ये गीज़र काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ। रनिंग में भी आपने देखा कि 12 डिग्री के आसपास इसने पानी को गर्म किया, जबकि हमने इंस्टेंटली टैप को ओपन कर दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मिनट का समय लगभग पूरा होने वाला है और कांस्टेंट लोड ले रहा है ये गीज़र 3050 के आसपास, और जो सप्लाई है वो भी कांस्टेंट यहाँ पर बनी हुई है 230 के आसपास। और ये जो इंडिकेटर है ना, ये बड़ा ही प्यारा लगता है, रेड में ब्लू में, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और ये इसका शेप भी बहुत अच्छा है गीज़र का, और कहीं भी मतलब किचन वगैरह में लगा हुआ बहुत प्यारा लगता है ये। और यहाँ पर अगर आप इस गीज़र को ख़रीदना चाहते हैं, फिर से बताना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों 2 मिनट से ऊपर का समय यहाँ पर हो चुका है और देखते हैं अब और कितना टाइम लगने वाला है। तो चलिए वेट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कट ऑफ हो चुका है गीज़र, और कट ऑफ होने से पहले इसने 2 बार ब्लिंक किया था, तो यहाँ पर फाइनली फिर ये ब्लिंक ब्लू कलर की यहाँ पर लाइट आ गई। और मैं मतलब ये देख के बहुत ही सरप्राइज हूँ कि मतलब इतनी जल्दी इसने यहाँ पर कट ऑफ मार दिया, वो भी हाई के सेटिंग के ऊपर। आप देख सकते हैं 3 मिनट 26 सेकंड सिर्फ इसने लिए हैं और हाई के सेटिंग के ऊपर ये कट ऑफ हो चुका है गीज़र, यानी कि जो भी इसकी मैक्सिमम सेटिंग होगी उसके ऊपर इसके पानी गर्म कर भी चुका है। तो ऐसे में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर रेकॉल के गीज़र से मिलती हुई, क्योंकि मैंने बहुत सारे गीज़र टेस्ट किए हैं, आपने भी देखे हैं, मतलब ये तो बहुत ही कमाल की यहाँ पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 4 मिनट तो मैंने सोचा ही था कि शायद 4 मिनट तो लगेंगे ही, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बहुत बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस दी है इस गीज़र ने। तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ पर इसको बंद करता हूँ ताकि ये दोबारा से ऑन ना हो जाए। और यहाँ पर देखिए आप बिजली देखिए इसने कितनी खाई है, इसने फुल के सेटिंग पे जब मैंने इसे चलाया तो 0.17 यूनिट बिजली खाई है, जबकि पहले मोड के ऊपर हमने जब टेस्ट किया था 0.13 यूनिट बिजली खाई थी इसने, और टाइम तो आपने देख ही लिया। और जो टेम्परेचर था अब हम देखेंगे कि पहले से ज़्यादा आता है, ऑब्वियसली आएगा ही, लेकिन कितना आता है। तो यहाँ पर मैं टैब खोल रहा हूँ, थोड़ा ही टैब खोलूँगा क्योंकि मैक्सिमम रीडिंग मुझे कलेक्ट करनी है इस पानी की। तो आप देख सकते हैं पानी यहाँ से निकलना शुरू हो गया है, हालांकि जितना पानी यहाँ से निकलता रहेगा
उतना इसके अंदर जाता भी रहेगा, इसलिए मैं कम खोलता हूँ ताकि हमें मैक्सिमम ही रीडिंग यहाँ पर मिले। आप देखिए टेम्परेचर मीटर के ऊपर लगातार रीडिंग जो है जा रही है ऊपर, और पिछले वाले मोड के ऊपर हमें 68 डिग्री के आसपास पानी मिला था। अब यहाँ देखते हैं मैक्सिमम जो कितना मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए तेज़ी से 62 के आसपास चला गया। थोड़ा सा टैब और ऑन कर लेता हूँ मैं, तो ये देखिए 66.9 आ गया। तो काफ़ी तेज़ इसने लगता है पानी को गर्म किया, और पिछले मोड के ऊपर अब चला गया है, 70 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। यहाँ पर आप देखिए तेज़ी से टेम्परेचर बहुत तेज़ी से ऊपर जाता हुआ। अब देखना यह है कि मैक्सिमम जो रीडिंग है वो कितनी मिलती है हमें। तो आप देखिए 73.7, 74.6, तो यहाँ पर लगातार बढ़ता ही हुआ टेम्परेचर 75 से भी ऊपर, 76 से भी ऊपर, यहाँ पर 77, ओहो ये मुझे लगता है 80 के आसपास जाएगा। तो आप देखिए 78.3, मतलब इतने कम समय में इसने पानी को कितना तेज़ गर्म कर दिया, ये मतलब परफॉर्मेंस होती है किसी भी गीज़र में, और रिकॉर्ड मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ और आप भी देख पा रहे हो। आप देख सकते हैं 79.2, ऑलमोस्ट 80 डिग्री के आसपास इसने पानी को गर्म कर दिया है मात्र 3.5 मिनट से भी कम समय में। और देखिए आप थोड़ा सा रीडिंग कम जा रही है, 79.1 आ गई है। तो थोड़ा सा टैप को और खोल रहे तो अगर वापस जाएगी तो भाप अगर आपको दिख रही हो पानी की, तो आप देखिए दोबारा से 79.8 के आसपास आई है। मैंने पानी को थोड़ा सा और खोला है, ये देखिए दोस्तों 80 डिग्री के आसपास यहाँ पर रीडिंग, 80 से भी ऊपर चली गई रीडिंग 80.9 के आसपास। तो मतलब इतना तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी गीज़र ने परफॉर्म किया है अभी तक। आई थिंक एक गीज़र शायद बजाज का हमने टेस्ट किया था, उसमें गई थी इतनी, लेकिन और किसी में नहीं। तो यहाँ पर 81 डिग्री के आसपास हमें रीडिंग अभी मिली थी, तो जो भी मैक्सिमम होगी वो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब जो है रीडिंग जो बैक जाती हुई 80 से पीछे जाती हुई, तो जो अब हमें मिली है मैक्सिमम रीडिंग, तो यहाँ पर अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि कितनी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दी है रेकॉर्ड के इस गीज़र ने, जो मैंने तो नहीं सोचा था, क्योंकि इतने सारे गीज़र मैं टेस्ट कर चुका हूँ, आपने भी देखे होंगे। सिर्फ मात्र 3.5 मिनट में पानी को इसने इतना ज़्यादा गर्म कर दिया, यही है पावर, यही है क्वालिटी रेकॉर्ड गीज़र्स की। तो यहाँ पर आपने देखा कि कितनी एफिशिएंसी है इस गीज़र की हीटिंग के मामले में। बिजली कंजम्पशन आप देखो वो तो बाकियों जितनी है, 3000 वाट का लोड है। तो यहाँ पर दोस्तों बेटर चीज़ जो है वो आपको साफ साफ दिखती हुई। अगर आपको ये गीज़र ख़रीदना है या फिर कोई बेटर गीज़र ख़रीदना है तो आप इसको ज़रूर कंसिडर कीजिए। थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, मेरे ख्याल 4000 के आसपास मैंने लिया है अमेज़ॉन से, आपको भी शायद इतने का मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी है। और इसमें सबसे अच्छी बात है टेम्परेचर कंट्रोलिंग का जो फीचर है, यानी कि आप कहीं भी सेट करके इसको चला सकते हो। तो बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक तो करता हूँ, क्योंकि यार ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत दिमाग लगता है, बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है हमारी, तो एक लाइक तो आपको करना ही चाहिए। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करके रखो, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आती रहेंगी, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।